तीरथ सिंह रावत सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। सीएम ने विकास आधारित पुस्तिका का विमोचन किया है। पुस्तिका में 100 दिन के विकास कार्यों का जिक्र है। कोरोना की दूसरी लहर का बेहतर तरीके से सामना किया है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर का बेहतर तरीके से सामना किया है। तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने बताया, सीएम ने विकास आधारित पुस्तिका का भी विमोचन किया और कहा कि दूसरी लहर में बेहतर तरीके से काम किया है और तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर क्या रहा अब तक, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 100 दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत कॉन्फिडेंस में लबरेज नजर आए। मुख्यमंत्री मीडिया सेंटर पर जब पहुंचे तो उनके साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में राज्य के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं, लेकिन इस बीच उनकी सरकार ने बेहतर काम किया है। हम यहां की जनता के हित के लिए हैं, अपने उत्तराखंड के चौमुखी विकास हमारे मन में है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह काम दिख भी रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। कभी कल्पना नहीं की होगी कि आज़ाद भारत में भी पहाड़ में ट्रेन चढ़ सकती है, 24 तक उसको पूरा होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए किसी भी तरह की धन की कमी आड़े नहीं आने देने की बात कही है। सड़क से लेकर के पानी, बिजली, ऊर्जा मंत्री जी से लेकर सबसे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि तीरथ जो कुछ चाहिए उत्तराखंड के लिए मेरी ओर से कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य के विकास में सभी मंत्रियों ने सहयोग देने की बात कही है। कई योजनाएं जो लंबे समय से लटकी थीं, वो भी अब जल्द पूरी हो जाएंगी। देहरादून से विकास नगर, गंगोत्री यमुनोत्री जोड़ने वाला ये चार धाम, यहाँ भी ट्रेन पहुंच जाए, सर्वे शुरू होने जा रहा है। वो फंडिंग मुझे तुरंत वहीं पे पीयूष जी ने कहा कि घोषणा कर दो। कोरोना वायरस की वजह से उत्तराखंड को पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारा प्रयास है कि यहाँ का पर्यटन, यहाँ का तीर्थाटन, ये हमारा अर्निंग का ये नहीं तो पूरा देश और दुनिया का भी व्यक्ति आता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय यात्रा इस कोविड के कारण हम लोग अभी नहीं खोल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और विधायकों ने कोरोना वायरस और केदारनाथ आपदा में मारे गए लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद से लेकर कैबिनेट मंत्री और विधायक भी नजर आए। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले ये भी संदेश देना चाहते हैं कि विधायकों से लेकर सरकार के संगठन से भी बेहतर तालमेल है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और सुरेंद्र डसीला सहयोगी सीधे देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, 100 दिन पूरे हुए हैं तीरथ सरकार को, इन 100 दिनों में कई चुनौतियां भी रही। सबसे बड़ी चुनौती रही दूसरी लहर, जिसको लेकर सरकार ने कई कदम उठाए। सुरेंद्र से हमारा संपर्क कट गया है, हम बात उनसे करेंगे वापस, लेकिन आपको बता दें कि आज तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और इस दौरान क्या कुछ काम किया है सरकार ने, ये आज मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया और साथ ही विकास आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान सरकार के सामने चुनौतियां भी कई रही, कोविड के अलावा आर्थिक नुकसान भी प्रदेश को लॉकडाउन की वजह से हुआ। पिछले साल भी कुछ यही स्थिति थी और इस बार भी यही स्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड की आय का प्रमुख जरिया है पर्यटन और ऐसे में कोविड की वजह से पर्यटन पर सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन तमाम चुनौतियों से पिछले 100 दिनों में किस तरह से निपटा गया है, ये तमाम जानकारी आज मुख्यमंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी और विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, विकास पुस्तिका के जरिए ये बताने की कोशिश मुख्यमंत्री की कि भले ही कितनी चुनौतियां रही हों, लेकिन 100 दिनों में सरकार ने विकास के किसी भी मोर्चे पर कोताही नहीं बरती है, हमेशा सरकार जनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आगे रही है।
देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर देखा भी जाए तो कहीं ना कहीं चुनौतियां कम नहीं रही, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री खुद कोरोना से ग्रसित हो गए थे और उसके बाद कोरोना की जो लहर है वो इतनी ज़्यादा तेज हुई थी, सेकंड वेव में हमने देखा कितनी बड़े पैमाने पर हाहाकार मचा था, चाहे मौत के मामले हों, चाहे अस्पतालों में बेड ना मिलने की वजह से हो, इस तरह का पूरा क्राइसिस रहा है। लेकिन इस दौरान सरकार ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो कहीं ना कहीं सराहनीय हैं। ऑक्सीजन के मामले में अगर देखें तो कई राज्यों को ऑक्सीजन के लिए क्राइसिस कब हुआ, दिक्कत हुई, ज़रूरत पड़ी उन्हें, लेकिन उत्तराखंड में ऑक्सीजन की वजह से इस तरह के हालात नहीं हुए कि कहीं पर भी हमने अफरा तफरी का माहौल देखा। बाकायदा राज्य के बाहर से भी सप्लाई ऑक्सीजन की बहुत सही तरीके से हुई और उसके बाद जो फैसला लिया गया केंद्र की ओर से कि ऑक्सीजन राज्य में ही उपलब्ध होगी, इसका भी बड़ा फायदा मिला। संसाधन पूर्ण करने के मामले में भी कहीं ना कहीं बेहतर प्रगति हुई और इसी के दम पर आज मुख्यमंत्री ये कह पाए कि हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार हैं, कैसे भी हालात होंगे हम डटकर मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि हमारे संसाधन पहले से ज़्यादा बेहतर हुए हैं। कॉन्फिडेंस उनके बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा नज़र आया, इसलिए नज़र आया क्योंकि आज उनके साथ कैबिनेट मंत्री थे, विधायक थे, राज्यसभा सांसद थे। एक तस्वीर दिखाने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की है चुनाव से पहले कि भाजपा संगठन से लेकर सरकार तक सब में एकजुटता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब आपकी सरकार को लेकर आप बता रहे हैं, 100 दिन का अपना पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं, तो उस दौरान आपकी ये बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देती है और यही तस्वीर दिखाने की उन्होंने कोशिश भी की है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं अनामिका, तो केंद्र से जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उनको लेकर उन्होंने जिक्र किया कि मैं दिल्ली गया था, मैं प्रधानमंत्री से मिला, प्रधानमंत्री का विज़न क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा है उत्तराखंड में कहीं भी पैसे की कमी नहीं आएगी किसी भी विकास कार्य में। इसके अलावा उन्होंने कहा गृह मंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों से मुलाकात हुई, जो राज्य में योजनाएँ चल रही हैं उनको लेकर बात हुई, तो अपना विज़न भी उन्होंने बताया कि अगले 2 से 4 महीनों में क्या कुछ करने जा रहे हैं। समय भले ही उनके पास कम हो लेकिन जो चीज़ें अभी तक हुई हैं 100 दिन में उसकी जानकारी उन्होंने आज दी है।